हेलो फ्रेंड्स, अब तक तो ऑलमोस्ट हम सभी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर देख ही लिया है और उस 2 मिनट 24 सेकंड के ट्रेलर में अपने 17 सेकंड के रोल में ही थैनोस ने स्पाइडरमैन को दिए चॉक स्लैम और आयरन मैन को दिए नॉकआउट पंच से शो कर दिया कि एवेंजर्स के लिए उसे हरा पाना कितना मुश्किल होने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों ही सीन्स में उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि गॉन्टलेट उसके दूसरे हाथ में था और ये चीज शो करती है कि थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना भी कितना पावरफुल है। और आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या चीज है जो थैनोस को इतना पावरफुल बनाती है और उसकी सुपर पावर्स क्या क्या हैं। और ऐसे और भी औसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। अब थैनोस की पावर के सोर्स और क्या चीज उसे मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें इटर्नल्स और डिवेंट्स के बारे में जानना और थैनोस की ओरिजिन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले बात करते हैं कि आखिर इटर्नल और डिवेंट्स हैं कौन। इटर्नल और डिवेंट्स को 5 मिलियन यानी 50 लाख साल पहले शुरुआती ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करके सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था और अपने क्रिएशन के बाद स्टेबल जीन होने की वजह से इटर्नल्स इंसानों की तरह दिखते थे और साथ ही इस वजह से उन्हें लॉन्ग लाइफ और कई सारे गॉड लाइक सुपर ह्यूमन पावर्स भी मिली। वहीं दूसरी तरफ अपने अनस्टेबल जीन की वजह से डिवियंट्स डिफॉर्म्ड और इंसानी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने में उतने अच्छे नहीं थे और उनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स तो थी पर उस लेवल की नहीं जितने की इटर्नल्स थी और इस वजह से इटर्नल्स और डिवियंट्स में हमेशा ही दुश्मनी रहा करती थी। अब इटर्नल और डिवियंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद हम चलते हैं थैनोस की ओरिजिन की तरफ। तो थैनोस का जन्म हुआ था सैटर्न के मून टाइटन पे जो कि घर है इटर्नल्स का और वो बेटा था मेंटोर और सुई सान नाम की इटर्नल्स का। पर थैनोस इटर्नल्स के बीच एक म्यूटेंट की तरह था जैसे कि इंसानों के बीच एक्समैन। उसके पास इटर्नल्स के जीन होने के साथ साथ डिवियंट्स के जीन भी थे और इस वजह से थैनोस के पास इटर्नल्स और डिवियंट्स दोनों की ही पावर थी। पर इस चीज का एक साइड इफेक्ट था और वो ये था कि थैनोस की बॉडी इटर्नल्स की तरह दिखने की बजाय डिवियंट्स की तरह दिखती थी और ये चीज देख के उसकी माँ ने उसे पैदा होते ही मारने की कोशिश की पर उसके डैड ने उसकी माँ को रोक के उसे बचा लिया। पर इटर्नल्स के बीच सबसे अलग होने की वजह से वो सिर्फ अपने भाई ईरोस के साथ रहा करता था और इस वजह से थैनोस बचपन में ही धीरे धीरे डेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और उसे डेथ की फिजिकल मैनिफेस्टेशन लेडी डेथ से प्यार हो गया। इसके बाद बड़ा होने पे थैनोस ने आर्टिफिशियल और मिस्टिकल तरीके से अपनी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा लिया। फिर थैनोस ने एक अलग नई फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश भी की पर लेडी डेथ फिर से उसके सामने आ गई और लेडी डेथ को खुश करने के लिए थैनोस ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। फिर भी लेडी डेथ उससे खुश नहीं हुई और इसके बाद थैनोस ने लेडी डेथ को खुश करने के लिए हर वो चीज करने की कोशिश की जो वो कर सकता था जैसे कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके आधे यूनिवर्स को ही खत्म कर देना। अब थैनोस की ओरिजिन और बैक स्टोरी के बाद हम बात करते हैं कि आखिर क्या चीज उसे इतना डेंजरस बनाती है। और सबसे पहली चीज है उसकी सोच। थैनोस के हिसाब से वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है और उसे रोकने वाला एकदम गलत और इस वजह से वो अपने आप को बुरा आदमी नहीं मानता। और ये चीज हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर के इस डायलॉग से समझ सकते हैं जिसमें थैनोस कहता है कि यूनिवर्स को बैलेंस करना कोई मजाक की बात नहीं है मगर ये चीज मेरे चेहरे पे हंसी जरूर ले आती है। अब ये सोच हम थैनोस की पावर्स के साथ कंबाइन कर दे तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो जो कर रहा है वो एकदम सही है और जरूरी भी। अब थैनोस की पावर्स की बात करें तो इटर्नल्स और डिवियंट्स दोनों जीन होने की वजह से थैनोस का पावर लेवल इटर्नल्स और डिवियंट्स दोनों से ही बहुत हाई है जिसका मतलब उसके पास इटर्नल्स के जैसी गॉड लाइक पावर्स तो हैं ही पर साथ ही में उसके पास डिवियंट्स जैसी ड्यूरेबल बॉडी भी है। साथ ही बायोनिक एम्प्लीफिकेशन और मिस्टिक आर्ट से उसने अपनी बॉडी को और भी पावरफुल बना लिया है और मिस्टिक आर्ट्स की नॉलेज की वजह से थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज से भी आसानी से लड़ सकता है बस जब तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल सॉसरा सुप्रीम पावर यूज ना करने लगे। और डेडपूल और लेडी डेथ के बीच लव को देख के थैनोस ने अपनी इन्हीं मिस्टिक पावर्स को इस्तेमाल करके डेडपूल को इमोर्टल यानी अमर रहने का कर्ज दे दिया था ताकि डेडपूल कभी मरे ना और कभी लेडी डेथ से ना मिल पाए। इसके बाद अगर हम थैनोस की बॉडी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल यानी टिकाऊ है कि सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक के डायरेक्ट ब्लास्ट को 2 बार सहने के बाद भी थैनोस को कुछ नहीं हुआ बल्कि थैनोस ने उल्टा सिल्वर सर्फर से ही कहा कि तुम बस इतना ही कर सकते थे।
साथ ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट सीरीज में थैनोस ने थॉर की हैमर के फुल पावर अटैक को भी आसानी से सह लिया और फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि ओडिन और गैलेक्टस के लिए भी थैनोस को हराना आसान नहीं था और गैलेक्टस ने खुद थैनोस से बोला था कि तुम पहले ऐसे बींग हो जिसपे मुझे दूसरी बार अपनी फुल पावर कॉस्मिक बीम इस्तेमाल करनी पड़ रही है। अब हम बात करें थैनोस की स्ट्रेंथ की, तो वो इतना पावरफुल और स्ट्रांग है कि इन्फिनिटी सीरीज में थैनोस के एक पंच ने ही फुल बॉडी आर्मर पहने हल्क को भी दूर फेंक दिया था। साथ ही थैनोस कॉस्मिक एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हें अपनी बॉडी से हाई पावर बीम के फॉर्म में छोड़ सकता है और ये बीम इतनी पावरफुल होती है कि इसे सहने के बाद गैलेक्टस भी जमीन पर बाउंस करता हुआ दूर जाके गिरा था। इससे वैसे गैलेक्टस को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी गैलेक्टस को अपनी जगह से हिला देना कोई छोटी बात नहीं है। साथ ही थैनोस के पास प्रोफेसर जेवियर जैसी बहुत सारी साइनिक पावर्स भी हैं, जैसे टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी। ये पावर्स प्रोफेसर जेवियर की लेवल की तो नहीं है, पर इन पावर्स की वजह से थैनोस किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। साथ ही उसके ऊपर किसी और की मेंटल पावर्स का असर भी नहीं होता और इस वजह से उसे कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसे थैनोस अपनी साइनिक पावर्स बहुत कम ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो इतना पावरफुल है कि उसे किसी का माइंड कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही हर किसी को हरा सकता है। अब ये सारी पावर्स और थैनोस का हाईली इंटेलिजेंट दिमाग उसे एक अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्शन मशीन बना देते हैं और इस वजह से कॉमिक्स में थैनोस को रोकने के लिए क्रोनोस नाम की इटरनल कॉस्मिक एंटिटी ने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर को क्रिएट किया था। और आज तक की कॉमिक बुक हिस्ट्री में अपने क्रिएशन से लेके अभी तक ड्रैक्स सिर्फ एक ही बार थैनोस को मार पाया है, वो भी पीछे से अटैक करके। वैसे कॉमिक बुक्स का ड्रैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है अगर हम मूवी के ड्रैक्स से कंपेयर करें तो। और हम अगर थैनोस को किसी पावर लेवल पर रखना चाहें तो थैनोस गैलेक्टस के हेरल्ड यानी सिल्वर सर्फर से ऊपर, मगर स्काई फादर्स जैसे ओडिन, ज्यूस और कॉस्मिक एंटिटीज जैसे गैलेक्टस, डेथ, इन्फिनिटी, एटर्निटी एक्सेट्रा इन सबसे नीचे होगा। और शायद इसी वजह से ओडिन को थॉर रैग्नारॉक में बाय बाय कर दिया गया, नहीं तो एवेंजर्स को इन्फिनिटी वॉर मूवी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ओडिन को बुलाया और काम खत्म। पर फिर भी थैनोस जिस पावर लेवल पे है वो पावर लेवल बहुत ही हाई है और इस वजह से इन्फिनिटी वॉर मूवी में एवेंजर्स के लिए थैनोस को सारे स्टोन्स मिल जाने के बाद रोक पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और इसी वजह से ये मूवी भी अब तक की सबसे एपिक कॉमिक बुक मूवी होने वाली है। तो अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय। Till I get up, time is barely on our side.